ये है काफल। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में उगने वाला ये फल देवभूमि में फलों का राजा कहलाता है। काफल का पेड़ गर्मियों में फल देता है। इसका लुभावना गुठली युक्त फल गुच्छों के रूप में लगता है। प्रारंभिक अवस्था में इसका रंग हरा होता है और फिर गुलाबी बैंगनी होते हुए पूरी तरह पकने पर गहरे लाल रंग का हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला ये फल खट्टा मीठा स्वाद लिए होता है। औषधीय गुणों से भरपूर काफल उत्तराखंड की लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए बनाते हैं स्वाद स्वास्थ्य और रंगत का संगम काफल का शरबत। इसके लिए हम लेंगे 1 कप काफल, इसमें डाल देंगे 1/4 कप चीनी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काला नमक, इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे ढक देंगे और ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटे इसी तरह छोड़ने के बाद हम इसे फ्रिज में रख देंगे और 8-10 घंटे के बाद फ्रिज से निकालेंगे। देखिए 8-10 घंटे बाद काफल चीनी और नमक अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं, काफल सॉफ्ट हो गए हैं। अब बनाते हैं काफल का शरबत। इसके लिए काफल को मिक्सर जार में डालेंगे और साथ ही डाल देंगे 1/2 लीटर पानी। अच्छी तरह से मिश्रण को पीस लेंगे। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर काफल पेट की बीमारियों के साथ साथ डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी लाभदायक है। अब इसे मोटी छन्नी से छान लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और साथ ही डाल देंगे 1 नींबू का रस। और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गिलास के कोनों में नींबू का रस लगाएंगे और नमक की प्लेट में इसे रखेंगे। ये हो गया हमारा शरबत के लिए गिलास तैयार। गिलास में डालेंगे ढेर सारी आइस क्यूब्स और काफल का शरबत। अब इस टेस्टी और हेल्दी शरबत को झटपट पी डालिए।